तो मैं जो आज लाया हूँ आपके सामने विजिटेक प्रोजेक्टर, बहुत ही शानदार प्रोजेक्टर है दोस्तों। मैं आपको ये अनबॉक्सिंग करके रिव्यू करवाऊंगा, कैसे कैसे क्या होता है इसमें, क्या फंक्शन है दोस्तों। बहुत ही शानदार आपको आपको मिलाने वाला हूँ इससे। देखिए मैं इसका अनबॉक्सिंग फटाफट से फट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों इसका लुक देखिए, लुक देखिए आप, शानदार लुक है। देखिए शानदार लुक है, देखिए दोस्तों, देखिए विजिटेक। और देखिए दोस्तों ये है इसका एक रिमोट है और बैटरी है। मैं फटा से फट, जैसे कि मैंने बताया कि नो बकवास देखो, तो फटाफट मैं इसका सेटअप करके आपको वीडियो करता हूँ, ठीक। और वीडियो दिखाता हूँ, इसका क्वालिटी दिखाता हूँ, कैसा ये क्वालिटी कैसा है इसका, ठीक। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लाइन दे दिया है, ठीक है। और मैं देखिए ये जो फंक्शन है ये है, इसे मैं ओपन कर देता हूँ। और ये देखिए बटन जो है ये वाला ऑन करता हूँ, प्रेस किया। अब देखिए थोड़ा मैं, और इसके साथ देखिए ये सब आया है, और ये वाला वीडियो आउट पिन दिया है और रिमोट मिला है। ये देखिए इसका लुक, में इसका लाइट थोड़ा ऑन ऑफ करता हूँ और इसका क्वालिटी दिखाता हूँ। थोड़ा नीचे हो जा रहा है, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। अब देखिए इसका क्वालिटी देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, तो देखिए इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। इसका बहुत ही शानदार क्वालिटी है दोस्तों। और जो ये पहला नंबर, तो ये जो मेरा दीवार का कलर है वो सही नहीं है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो मैं रिमोट से देखिए जो है, ये देखिए प्रेस करिए, लाइट तो नहीं है, तो देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, सेटिंग है। सेटिंग में आके आप ये देखिए भैया क्या है, रुक जाओ दोस्तों थोड़ा सा। तो देखिए दोस्तों नीचे दिखा रहा है भाई, ये देखिए। अच्छा देखिए सेटिंग, तो इसका दाम जो है, जो प्राइस जो है दोस्तों, मैंने अमेजोन से लिया था ऑफ़र में, 11,000 रुपया इसका प्राइस है। अभी पता नहीं कितना दाम है इसका, पर ये बहुत ही शानदार, इसका क्वालिटी जो है बहुत शानदार है। एंड्रॉयड वर्सन है, पर जो एंड्रॉयड जो उतना फास्ट नहीं है जितना फास्ट होना चाहिए, क्योंकि उतना फास्ट नहीं दोस्तों, ठीक है। ये देखिए जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है देखिए, ये आप समझ जाइएगा, चलाते समझ जाइएगा क्या है। ये भी है, टीवी से कनेक्ट जब करिएगा तब, मतलब वो जो आठ पॉइंट देखा है ना, टीवी से जब कनेक्ट करेगा तो वो ऑप्शन आपको करना पड़ेगा। तो इसका जो है
तो YouTube में चलाता हूँ पहले, देखिए YouTube, देखिए YouTube चलाता हूँ, देखिए नेटवर्क नहीं है तो इसका पहले मैं नेटवर्क चाहिए, ये बैक बटन दबाता हूँ मैं, बैक बटन को थोड़ा वाईफाई कनेक्ट कर लूँ, अच्छा चलो वाईफाई कहाँ है, पासपोर्ट दे दीजिए आप, थोड़ा सा ये लेग करता है क्योंकि एंड्रॉयड वर्सन जो है दोस्तों, इसका जो एंड्रॉयड वर्सन है थोड़ा ख़राब है, तो बाकी पिक्चर क्वालिटी में जो है एक नंबर है दोस्तों, लेकिन जो इसका एंड्रॉयड वर्सन जो है वही ख़राब है, इसका स्लो चलता, थोड़ा लेग करता है, स्मूथ नहीं है, हाँ स्मूथ नहीं है दोस्तों, हाँ यही एक तो मतलब कि इसका ख़राबी है, बाकी पिक्चर क्वालिटी जो है दोस्तों 11,000 में बहुत ही शानदार दिया है, बाकी मैंने और भी प्रोजेक्टर ख़रीदा था तो सही नहीं था, ये वाला क्वालिटी इसका शानदार है। ये देखिए वाईफाई से मैंने कनेक्ट कर दिया है, और सेम चीज़ प्रोसेस मोबाइल में जिस तरह करना पड़ता है कनेक्ट, उसी तरह वही ये भी करना पड़ता है, बाकी और कुछ नहीं है दोस्तों, बाकी और कुछ नहीं इसमें सिस्टम। ये बैक में जाता हूँ और बाकी आप सीख जाइएगा चलाते चलाते, थोड़ा सा तो आपको देखो ना लैग करता है दोस्तों, बहुत लैग कर रहा है, यही थोड़ा सा ख़राब लग रहा है हमको, स्लो काम है हल्का, हाँ दोस्तों स्लो काम है, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी पिक्चर क्वालिटी तो शानदार है। अब देखिए वीडियो में लगाता हूँ, वाईफाई कनेक्ट कर दिया मैंने, ये देखिए थोड़ा पिक्चर क्वालिटी देखिएगा दोस्तों, इसका पिक्चर क्वालिटी देखिए, साउंड देखिए, साउंड इसका एक नंबर है, साउंड जो है इसका एक नंबर है दोस्तों, कोई वीडियो में लगाता हूँ तो वीडियो को सा कौन सा वीडियो लगाता हूँ, कोई भी गाना का लगाता हूँ फुल HD तभी तो मज़ा आएगा, बाकी और कुछ प्रॉब्लम इसमें नहीं है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम पिक्चर क्वालिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये डॉक्टर मेरा, मैं 5 फुट का हूँ तो मोटा मोटी आपका 5 फुट लंबाई और सॉरी 5 फुट लंबाई, हाँ 5 फुट लंबाई आपको और 10 फुट चौड़ाई स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार, आप खुद सोच सकते हैं कि 5 फुट लंबाई, 5 फुट लंबाई बहुत बड़ा होता है दोस्तों, और 10 फुट चौड़ाई बहुत बड़ा होता है, बहुत ही शानदार है। थोड़ा सा मैं बैक करके दूसरा कुछ दिखाता हूँ आपको, कैमरा में समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या मामला है, जब पिक्चर क्वालिटी कसम से यार दोस्त दिल खुश हो जा रहा है। यह गाना एक और लगाता हूँ मैं, बाकी इसका जो है आप देख सकते हैं, बाकी हल्का देखिए फास्ट, हल्का देखिए आप देखिए फास्ट काम कर रहा है हल्का हल्का, कभी कभी ये थोड़ा हैंग करने लगता है, और कुछ प्रॉब्लम बाकी आप ले सकते हैं इसको, कहा कि थी पिक्चर क्वालिटी 11,000 में ऐसा तो मैंने नहीं देखा, बहुत हाई रेट है दोस्तों, एक विजीटेक ही है, विजीटेक जो है जो कंपनी जो बहुत अच्छा कमाल का है, तो धन्यवाद दोस्तों, तो वीडियो को पुश करता हूँ, तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक भी कर दीजिएगा।
और दोस्तों एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप ऑफ करें तो रिमोट से पावर ऑफ करें या फिर ये वाला बटन ऑफ करके, और जब तक इसका अंदर का फैन ऑटोमेटिक ऑफ ना हो जाए तब तक आप डायरेक्ट जो मेन लाइन है उसको आप ऑफ नहीं करिएगा, ठीक है। जब तक इसका अंदर फैन ऑफ ना हो जाए, ठीक है, तो जब भी ऑफ करिएगा तो यहाँ से करिएगा या फिर रिमोट से ऑफ करिएगा इस मशीन को, उसके बाद इसके अंदर का फैन ऑफ होने दीजिएगा। तो दोस्तों कोई भी प्रोजेक्टर लेगा तो यही सिस्टम है, इसमें हर प्रोजेक्टर में ही सिस्टम है, फैन अंदर ऑफ होना चाहिए पहले, तभी तो मेन लाइन ऑफ करिएगा। तो धन्यवाद, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें दोस्तों।